निकालने के लिए हम लोग जा रहे हैं इस आपको आगे भी बताएंगे कि क्या हुआ, तो हमारे साथ रहेगा चार घंटे तो राइट नो हम लोग पहुंच चुके हैं मीटिंग के लिए और हम वेट कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर का, और वो आएंगे तो हमारे साथ मीटिंग करेंगे, मिलेंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और आप ये देखेंगे सारे सियासतदान यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिखाएं ज़रा। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान के ऑफिस इस्लामाबाद में है, और कुछ ही देर में हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सरदार रजा से मुलाकात हो, जिसमें हम तीन यंग पॉलिटिशियन और जो मेरे साथ दीगर जो नौजवान सियासतदान आए हैं, उनसे जो भी हमें क्वेश्चन हैं, जो हमारी कुछ थ्योरीज हैं, वो हम उनसे पूछेंगे और उसके बारे में उनसे जवाब देंगे। तो आप एक्साइटेड हैं? आई एम। अच्छा लग रहा है? वेरी मच एक्साइटेड, बिकॉज ये बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है इस लेवल पे एग्जीक्यूटिव लोगों से मुलाकात करना, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना, क्योंकि हम उनसे अक्सर उनकी बातें जो थ्रू टीवी सुनते हैं या मुख्तलिफ चैनल के जरिए। तो ये कासिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें मैसेज करूं कि जनाब इतनी आपको क्या जरूरत है कि आप डे टू डे हियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 15 दिनों के अंदर आप केस खत्म करना चाह रहे हैं, दोनों केसेस को आप क्लब क्यों नहीं कर रहे? पीपल्स पार्टी का जो केस है, जो 7 PMLN का केस है, सेम फंडिंग का, पार्टी फंडिंग का, उसे आप क्लब क्यों नहीं कर रहे? 6 December को आप रिटायर हो रहे हैं, तो जनाब ये क्या चीज़ चल रही है? वाह, इतना नॉलेज है। तो ये 6 December को रिटायर तो हो रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि जिस तरह की चपकलिश चल रही है, वज़ीर आज़म अपोजिशन से मिलना नहीं चाहते, तो मुझे नहीं उम्मीद कि नया कमीशन आने तक यही मेरा ख्याल सस्टेन करेंगे। एक और भी चीज़ है कि लास्ट टाइम एक डेवलपमेंट हुई थी कि दो अपना मेंबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के प्रेजिडेंट साहब ने यहाँ पे किए थे, रिक्रूट किए थे, लेकिन इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनका वोट नहीं लिया, ठीक है, इन्होंने ही अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने किया है, क्या कहते हैं, पिटीशन डाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि इनके हक में हो गई थी, और वो दो बंदे जो मेंबर इलेक्शन कमिश्नर जो के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट किए थे, वो फिर अब डिसमिस हो चुके हैं। अब वो केस चला गया पार्लियामेंट की कमेटी में, और वो जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि ये बहुत लंबी बातें हैं, बहुत लंबी बातें हैं, थोड़ा सही जी सैनी साहब कैसा फील कर रही हैं आज? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे पिक्चर्स भी आप देखिए, जितने भी इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है, और अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने काम की, इलेक्शन कंडक्ट करना कोई आसान चीज़ नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। हमें लग रहा होता है कि हम जाते हैं और वोट कास्ट करके आते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो तब जाके होती है इलेक्शन। लेकिन आप लोगों को इलेक्शन को भी बात जो है ना वोट सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि आपके वोट की वजह से फिर पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होते। और जो एक और एक अहम बात वो ये है कि इलेक्शन कराना आसान काम नहीं है, और कौम का पैसा लगता है, अरबों रुपए खर्च होते हैं। और आप क्या समझती हैं, आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में? आज बताएंगे, आज वो बताएंगे काफी चीजें। इधर से देखें, इधर तो समझने के लिए, और ये मेरा सवाल रहेगा।
دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو پچھلے انتخابات ہو گئے تھے فوج کی نگرانی میں, تو زیادہ تر پولنگ اسٹیشن پر یہی شکایت تھی کہ فوج ہمیں اندر جانے نہیں دیتی, اوپے کے دوران وہ پولنگ اسٹیشن کو باہر نکال دیتی ہے. تو میری تجویز یہ ہے, جس سے شاید کہ آپ کو اتفاق نہ ہو, کہ اگر یہ الیکشن